हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी पीवीपी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। हिंदी माध्यम में लिखी गई यह पुस्तक न्यायिक सेवा प्रतिभागियों के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीएसजे का एग्जाम दे रहे हैं या इस समय बिहार और यूपी दोनों में एपीयू मेंस लगा हुआ है, होने जा रहा है एग्जाम, एचजेएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, यह बहुत ही उपयोगी किताब है। और महज 116 पृष्ठों में, 112 पृष्ठ में, अगर हम उन पृष्ठों को गिने जिनमें कुछ लिखा गया है, बल्कि 2-3 पेज कम ही पढ़ेंगे, 110 पृष्ठ में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें लगभग 400 समस्यात्मक प्रश्नों के उत्तर है। वैसे तो इस पुस्तक में जो 400 समस्यात्मक प्रश्नों के को लिया गया वो प्री एग्जाम के प्रश्नों को लिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन प्री एग्जाम में आते हैं और उसमें चार ऑप्शन में से एक चुन करके आंसर करना होता है, वैसे ही समस्यात्मक प्रश्न, या यूं कहें कि वही प्रश्न मुख्य परीक्षा में व्याख्या के लिए आपके सामने आ जाते हैं। और तब आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि समस्या आधारित यानी प्रॉब्लम बेस्ड किसी प्रश्न का, किसी क्वेश्चन का कैसे उत्तर लिखा जाए। इस पुस्तक को अगर आप मंगवाते हैं अपने पास तो आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, खासकर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन तीन विषय पर मैंने लिखा इस पुस्तक में, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन तीन पर है। इन तीनों से पूछे जाने वाले सभी समस्या आधारित प्रश्नों का उत्तर आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। इसी नाते इस समय एपीओ मेंस बिहार और यूपी में लगा हुआ, उन विद्यार्थियों को फोकस करके मैं वीडियो बना रहा हूं। 400 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का समाधान इस पुस्तक में, इस छोटी सी पुस्तक में, जिसका एमआरपी 180 रुपीज है। 40% ऑफ के साथ आपको ये पुस्तक 108 रुपए में दी जा रही है। हाँ, पोस्टल चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है, पोस्टल चार्ज इसके एक्स्ट्रा देने होंगे। पटना में जो विद्यार्थी बैठे हैं, पाहुजा बुक सेंटर पे ये पुस्तक है, इलाहाबाद में जो विद्यार्थी, यूनिक बुक शॉप पे या हीना बुक शॉप पे हो सकती है, लखनऊ में जो विद्यार्थी है, बुक्स एंड बुक्स, मॉडर्न बुक्स एंड बुक्स के यहाँ हो सकती है आप, और अगर अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहे तो वहां भी ये पुस्तक है। अदरवाइज आप पीवीपी से मंगवाएंगे तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। ये 40% डिस्काउंट पीवीपी पब्लिकेशन अपनी तरफ से दे रहा है, शेष हमारे शॉपकीपर्स क्या डिस्काउंट देंगे उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पीवीपी पब्लिकेशन से डायरेक्ट इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो आप 8957568536 पर व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं, पीवीपी ला की और भी पुस्तकें मंगवा सकते हैं पीवीपी पब्लिकेशन की। अब इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा कि ये पुस्तक आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जरा देखिए ये पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के लिए मैंने एकदम साफ साफ देखिए लिखा है, आवश्यकता अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में दिए गए सभी विकल्पों पर विधिक चर्चा की गई, तो ये तो प्री के लिए हो गया। दूसरी विशिष्टि में लिखा है कि मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की दृष्टि से प्रत्येक समस्या की विशिष्ट एवं पर्याप्त व्याख्या, तो आप इसको केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए मत समझिएगा। देखिए यहां लिखा है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार हेतु, और दूसरा जब यहां विशिष्टि में पढ़ेंगे तो यहां मिलेगा। आपराधिक प्रयत्न से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, समस्या आधारित प्रश्न, यहां क्या लिखा हुआ है, आपराधिक प्रयत्न से संबंधित प्रश्नों को लागू होने वाले विशिष्ट विधिक नियमों का उल्लेख, और ये तो प्री परीक्षा के लिए है, किसी त्रुटिपूर्ण उत्तर को आयोग द्वारा सही माने जाने की विधि, शास्त्रीय आधार पर आलोचना एवं ऐसे उत्तर के विरुद्ध आक्षेप किए जाने का प्रभावी आधार, ये प्री परीक्षा के लिए है। तो जो विद्यार्थी प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब आते हैं इसके कुछ दृष्टांत हम देख लेते हैं, कुछ पृष्ठों पर हम नजर डाल लेते हैं। हम इस पुस्तक के कुछ प्रश्नों पर नजर डाल देते हैं कि किस तरह से प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए ये पुस्तक है, ठीक है, एमआरपी इसका 180 है, ये कभी पुरानी होने वाली किताब नहीं है, ठीक है, आप इसके संस्करण पे मत जाइए कि ये ओल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि समस्या आधारित जो प्रश्न है वो रहेंगे, ठीक है।
अब मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन में कोई भी ले सकता हूं, लेकिन मैं उन प्रश्नों को ले रहा हूं जो मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इस प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, पारस्परिक सहमति से तलाक के एक वाद में अ ब को अपनी विवाहित पत्नी स के रूप में प्रस्तुत करता है। म्यूचुअल डाइवोर्स के एक सूट में अ क्या करता है, ब नामक एक महिला को जो अजनबी है, जो उसकी पत्नी नहीं है, कोर्ट में स के रूप में अपनी पत्नी के रूप में पेश करता है। फिर से समझिएगा, अ और स विवाहित हैं, अ स से म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाह रहा है, स को बिना कुछ बताए ब नामक एक महिला को अपनी पत्नी स के रूप में अदालत में पेश करता है, ठीक है। ब ने एक अपराध किया है, ये जो ब जो उस रूप में पेश हो रही है कौन सा अपराध किया है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है धारा 205 से शासित होगा। अब यहां पे प्री के लिए तो हमने लिख दिया उत्तर ए, वाद में मिथ्या प्रतिरूपण का, लेकिन जब मुख्य परीक्षा के लिए व्याख्या देखेंगे तो पर्याप्त व्याख्या है। प्रस्तुत प्रकरण में ब का दायित्व भारतीय दंड संहिता की धारा 205 से शासित होगा। धारा 205 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे का मिथ्या प्रतिरूपण करने और ऐसे धरे हुए रूप में किसी वाद या अपराधी के विभाजन में कोई स्वीकृति या कथन करने या दावे की संस्कृति करने, ये मैं धारा की व्याख्या करना, या कोई आदेशकार निकलवाने या जमानतदार या प्रतिभु बनने या कोई भी अन्य कार्य करने को अपराध घोषित किया गया है एवं इसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय बनाया गया है। इस मामले में ब ने स का मिथ्या प्रतिरूपण करके उसकी ओर से स्वीकृति एवं कथन किया है, अतः वह धारा 205 के अधीन वाद में मिथ्या प्रतिरूपण की दोषी होगी। कितनी पर्याप्त व्याख्या, और आप इतना अगर लिखेंगे अपने कॉपी में तो आप इतनी दूर में दिख लेंगे, लगभग 100 शब्द के आसपास बनेंगे। बहुत ही सटीक व्याख्या, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को ले लेते हैं। आप कहेंगे कि आप कोई भी प्रश्न लीजिए, लेकिन सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा के लायक नहीं है, इस नाते मैं थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूं कि जो मुख्य परीक्षा के लायक प्रश्न है जो पूछे गए, जैसे ये प्रश्न, ये मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 54, द की हत्या करने हेतु स को उकसाने के लिए अ ब को उकसाता है, यानी हत्या किसकी होनी है, द की। अ ब से कहता है कि तुम स को उकसाओ कि वो द की हत्या करे, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ब स को एक पत्र लिखता है। अ ने ब से कहा कि तुम स से कहो कि द की हत्या करे, अ ने तो ब से कह दिया, ब स से कैसे कह रहा है, पत्र लिख के, और वो पत्र स के पास पहुंचा लेकिन स ने कभी पढ़ा नहीं। यही प्रश्न है कि ब जिसके परिणाम स्वरूप ब स को द की हत्या करने को उकसाते हुए पत्र लिखता है, स वह पत्र पढ़ता ही नहीं है। यहां दोनों के दायित्व की बात हो रही है, अ और ब के दायित्व की बात है कि अ किस अपराध के लिए दोषी और ब किस अपराध के लिए। अ क्या किया था, ब से कहा था कि तुम स से कहो कि वो द की हत्या करे, और ब ने क्या किया था, स को पत्र लिखा था कि तुम द की हत्या करो, स पत्र पढ़ा ही नहीं तो स तो दोषी नहीं, द इसमें पीड़ित ही माना जाएगा। अ और ब के दायित्व पर सवाल है। अब जरा देखिएगा इसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है, 2009 में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्री परीक्षा में प्रश्न है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आएगा तो कैसे लिखेंगे, इसको मैंने यहां लिखा है। प्रश्नगत प्रकरण में अ का दायित्व धारा 108 के, अ का दायित्व धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 पर आधारित है, जिसके अनुसार दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी दुष्प्रेरण होता है, अतः अ दुष्प्रेरण के लिए दायी है। अ ने ब को उकसा दिया है कि तुम स को कहो कि वो द की हत्या करे, तो अ ने दुष्प्रेरण तो कर दिया, ब ने सुन लिया और उसी के परिणाम स्वरूप पत्र लिख भी दिया, इससे प्रभावित साबित है कि ब को दुष्प्रेरित किया जा चुका है, वो पत्र मना भी कर दे तब भी दुष्प्रेरण हो चुका है, लेकिन अ तो और दुष्प्रेरण का दोषी है, ठीक है, स्पष्टीकरण 4 धारा 108 के अनुसार। लेकिन ब क्या कर रहा है, केवल पत्र तो लिखा, वो पढ़ा ही नहीं, दुष्प्रेरण अपनी ओर से तो किया लेकिन प्रभावी नहीं हुआ, तो ब के दायित्व पर मैं क्या लिख रहा हूं। दूसरी ओर ब का दायित्व आपराधिक प्रयत्न के इस नियम पर आधारित है कि आपराधिक दायित्व के गठन के लिए आवश्यक दुराशय से युक्त होकर अपराध को गठित करने वाला अंतिम कृत्य किया गया हो, परंतु कर्ता के नियंत्रण से परे किसी कारण से वह परिणाम उत्पन्न न हुआ हो जिसका होना उस अपराध के गठन के लिए आवश्यक हो, तब कर्ता उस अपराध के प्रयत्न का दोषी होता है। यानी जब हम दुराशय के साथ कोई अपराध करते तो हैं, लेकिन हमारे नियंत्रण से परे किसी कारण से वो हो नहीं पाता है। यहां ब ने स को पत्र तो लिख दिया
लेकिन सने पत्र पढ़ा नहीं, इसमें बग कोई नियंत्रण नहीं है। सने पत्र पढ़ा ही नहीं, दुष्प्रेरण हुआ नहीं, लेकिन हमने किया तो ब क्या हो गया, दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायी हुआ, ये लिखा जा रहा है। ब द्वारा लिखे गए पत्र को स द्वारा पढ़ लिए जाने पर ब को दुष्प्रेरण का दोषी माना जाता, परंतु पत्र का पढ़ना या न पढ़ना ब के नियंत्रण में नहीं था, अतः उसके न पढ़े जाने पर ब दुष्प्रेरण के प्रयत्न के लिए दायी है। दूसरे शब्दों में अ द्वारा ब को किया गया दुष्प्रेरण ब के संज्ञान में आ गया था, अतः अ दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि ब द्वारा स को किया गया दुष्प्रेरण ब के नियंत्रण से परे किसी कारण से स के संज्ञान में नहीं आया, अतः ब दुष्प्रेरण के प्रयत्न का दोषी होगा। अब यहां सवाल यह है कि किस अपराध के प्रयत्न का, हत्या का दुष्प्रेरण हो रहा है तो अ हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और ब हत्या के प्रयत्न के, हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न का दोषी होगा। हत्या के प्रयत्न का दुष्प्रेरण नहीं, कभी प्रयत्न का दुष्प्रेरण होता है, हत्या के दुष्प्रेरण के प्रयत्न का दोषी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पुस्तक से बहुत कुछ पा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर क्लास ज्वाइन करें तो, क्लास ज्वाइन करेंगे मेरे साथ जो 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है यूपीएपीओ मेंस, तो मैं इसमें कुछ और भी जोड़ूंगा और भी बताऊंगा, लेकिन यह पुस्तक अपने आप में बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसमें कुछ और भी जोड़ा जाएगा और भी बताया जाएगा, क्योंकि पुस्तक की अपनी सीमा है, क्लास में हम और ज्यादा एक्सप्रेस फॉर्म में बता सकते हैं किसी चीज को। ठीक है, कहीं कहीं प्री के प्रश्न ऐसे भी हैं कि उसमें मैंने लिखा है कि अगर यही प्रश्न मुख्य परीक्षा में आएंगे तो आप इनका उत्तर इस तरह से करेंगे। जैसे इस प्रश्न को हम ले लेते हैं 784, अ जानता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, ब को यह नहीं मालूम है, या जानते हो कि ऐसा करने से जेड की मृत्यु हो सकती है और ब को प्रेरित करता है कि वह झाड़ियों पर गोली चलाए, जेड की मृत्यु हो जाती है और दोषी है। अब यह समस्या धारा 299 एक दृष्टांत पर आधारित है जहां इसे आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया, लेकिन मुख्य परीक्षा में आ जाएगा तो अगर ये मृत्यु कारित करवाने के आशय से प्रेरित किया तो हत्या का दुष्प्रेरण क्यों नहीं होगा, ये क्यों आपराधिक मानवता का दोषी है। तो जब यही मुख्य परीक्षा में प्रश्न आएगा तो इसको अलग तरीके से बात करेंगे आप। ठीक है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, अतः विकल्प बी को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से सही मानना तो उचित हो सकता है, किंतु मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में पूछे जाने पर यह अपर्याप्त उत्तर होगा और दी गई व्याख्या के अनुसार आपके कार्य को हत्या के दुष्प्रेरण के रूप में स्थापित करना आवश्यक है, उचित होगा। ये दी गई व्याख्या जो मैंने ऊपर व्याख्या लिखी है, आप कह सकते हैं कि यद्यपि इसे 299 के दृष्टांत के रूप में लिखा गया है परंतु आवश्यक तत्वों के आधार पर यह हत्या का सफल दुष्प्रेरण है, जिसके लिए जो उसको उकसा रहा है कि तुम झाड़ी पर गोली चलाओ उसको धारा 302/110 के अधीन दोषी माना जाएगा। और तब जब आप धारा के साथ लिख देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा उत्तर मिल जाएगा, अंक मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पुस्तक को महज 108 रुपए के साथ मंगवा सकते हैं। ये पुस्तक तो एक ऐसी पुस्तक है कि आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, अगर आप हिंदी समझ लेते हैं तो आपके पास यह पुस्तक होनी ही चाहिए। अब तक मैंने जितनी किताबें लिखी हैं सबसे अधिक समय में यही पुस्तक लिखी गई है। लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि चाहे शिक्षक कितना भी अपनी पुस्तक में लिख दे, शिक्षण के लिए उसके पास बहुत कुछ अतिरिक्त बचता है। अतः अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो यह पुस्तक उपलब्ध होने के साथ साथ इसके, इस पर मैं और अतिरिक्त व्याख्याएं भी आपको दूंगा जो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपको आगे ले जाएंगे। तो आप मेरे साथ 3 अक्टूबर 2022 से यूपीएपीओ मेंस के बैच में जुड़िए जिसमें दंड विधि पर विशेष चर्चा होंगी। ठीक है, धन्यवाद।